हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लग्जी स्टाइल कॉर्नर। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ उसके अंदर मैं आपको बताऊँगी एक फेस पैक तैयार करना जो कि बनेगा टर्मरिक से, यानी कि हल्दी से। हाँ जी, ये एक टर्मरिक फेस पैक है। हल्दी जैसे कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हल्दी जो है वो हम अपनी स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे स्किन के ऊपर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देती है। बट हल्दी का ये होता है कि थोड़ी गर्म भी होती है, कई लोगों को मतलब इचिंग होती है या जलन करती है। तो आज जो मैं फेस पैक आपको दिखाऊंगी उसके अंदर ये होगा कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमारी स्किन को मिल सके और बाकी के जो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो आज वो मैं आपको वीडियो बताती हूँ, और साथ ही साथ मैं ये बता दूँ कि अगर मैं इस तरीके का कोई वीडियो बना रही हूँ या कोई पैक बना रही हूँ तो आप प्लीज़ इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें हल्दी है, मे भी इचिंग करे, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल ही नेचुरल है। तो आप फिर भी सेफर साइड के लिए एक पैच टेस्ट ज़रूर करें अपनी स्किन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए हम सबसे पहले बोल में लेंगे हाफ टीस्पून से भी थोड़ी कम हल्दी। तो ये मैंने हल्दी ली है और आप देख सकते हैं मैं सिर्फ इतनी हल्दी लूँगी, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं लेंगे, थोड़ा ये येलो टिंट ज़्यादा देगी। वरना हल्दी अगर आप फेस पैक में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो येलो टिंट देगी ही देगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा येलो टिंट आ जाएगा आपके फेस पर। हाफ से भी कम टीस्पून मैंने लिया है हल्दी। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 1.5 टीस्पून के करीब बेसन। इसके बाद मैं इसमें लूंगी गुलाब जल। तो इसमें जो गुलाब जल जाएगा वो मैंने 2 टीस्पून के करीब गुलाब जल डाला है। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा इसमें 4th इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा लेमन। इसमें हम थोड़ा सा लेमन डालेंगे, लाइक 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन डालेंगे, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन डालेंगे, उससे ज़्यादा हम लेमन नहीं डालेंगे। ओके, अब ये जो मैंने फेस पैक बनाया है इसे हम मिक्स करेंगे। अभी इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है एंड जो इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा एलोवेरा जेल। तो इसमें मैं डालूँगी 1 थोड़ा सा एलोवेरा जेल, इसको आप मिक्स कीजिए। और अगर आपको इस पेस्ट को थोड़ा और हल्का करना है, थोड़ा थिन करना है, अगर आपको ये ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और ऐड कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। और अब आपका ये फेस पैक जो है अच्छे से मिक्स होने के बाद बिल्कुल रेडी है आपके फेस पर अप्लाई होने के लिए। तो चलिए इसे अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले आपका फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई मेकअप आपके फेस पर नहीं होना चाहिए। इस सबसे पहले फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। तो चलिए इस फेस पैक को अब मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। आप इस फेस पैक को ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ। हल्दी जो है वो एंटी बैक्टीरियल होती है, इसको आप अपने फेस पर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें लेमन यूज़ करा है जो कि बहुत अच्छा है अगर आपका सन टैनिंग हो रखा है या आपका एक्चुअल कॉम्प्लेक्शन वापस लाने के लिए आपकी टैनिंग को ख़त्म करता है।
इसके बाद हमने इसमें गुलाब जल यूज़ करा है, जो कि अगर हल्दी का थोड़ा इस तरीके की तासीर है कि वो गर्म है, तो इसको गुलाब जल जो है वो इक्वली बैलेंस करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हमने एलोवेरा जेल भी यूज़ किया है। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन को सूदिंगनेस देता है, तो ये भी बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव है। एक्चुअली हमने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट बाकी के यूज़ करे हैं, वो हमारी फेस को अपनी प्रॉपर्टीज़ तो देंगे ही देंगे, बट साथ में वो जो हल्दी है, उस हल्दी की जो तासीर है, उसको भी बैलेंस करेंगे, जिससे कि इसका पूरा पूरा जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे फेस को मिल सके और ये हमारा फेस पैक जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो मैं इसको पूरा अप्लाई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो मैंने इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दिया है। मैंने इसको अप्लाई करते हुए थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बहुत ही लाइटली रब भी किया है, ताकि ये थोड़ा डीप इनसाइड पहुँच जाए हमारी स्किन के। तो इस तरीके से मैंने इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई किया है। अब हमें इस फेस मास्क को 15 मिनट्स के लिए रखना है और आफ्टर 15 मिनट्स मैं आपसे मिलती हूँ। इसको प्लेन वाटर से वॉश करके, आपको फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, केवल प्लेन वाटर से फेस वॉश करना है। तो मैं आपको मिलती हूँ आफ्टर 15 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। मैंने केवल प्लेन वाटर से अपना फेस धोया है, अभी फेस वॉश यूज़ नहीं किया है। एंड आफ्टर दिस फेस पैक आपके फेस पर एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आपको फील होगा। अभी मुझे अपना फेस बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल फील हो रहा है। एंड इस फेस पैक को आप वंस या ट्वाइस इन अ वीक यूज़ कर सकते हैं आराम से। एंड इस फेस पैक के बाद आपके फेस पर हल्का सा येलो टिंट रह जाता है, लेकिन जब नेक्स्ट डे आप फेस वॉश यूज़ करेंगे अपने फेस पर, तो ये येलो टिंट आसानी से चला जाता है। बाकी ये फेस पैक बहुत अच्छा है, प्लीज़ इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।